नमस्कारम। एक सवाल है कि प्रेम में धोखा मिलने पर क्या करें? पाव बंगाली के पास जाओ, वशीकरण, सम्मोहन, सौतन से छुटकारा लिखे रहते ना स्टिकरों पे, पाव बंगाली, या कबीर सी बन जाओ। दोनों ही कंडीशन है, या जो भी हम करते हैं, हम बेहोश होने के लिए जो भी करते हैं या किसी को पाने के पीछे भागते हैं, वो सब व्यर्थ है। पहले तो हम ये समझें कि हम जो कर रहे हैं वो प्रेम कितना गहरा है। प्रेम तो प्रेम होता, लेकिन उसकी गहराई कितनी है? जितनी उसकी गहराई होगी उतना वो हमें पवित्र और परमात्मा की ओर ले जाएगा। जो तुम कर रहे हो वो प्रेम ही है, मैं नहीं कहता कि वो वासना है, क्योंकि लोगों को अपना प्रेम प्रेम लगता और दूसरों का जो भी हो वो बस वासना लगती। तो हम तीन तलों से समझेंगे, एक बुद्धि का तल, एक हृदय का और एक उससे और गहरा चित्त का। तो हम ये समझेंगे कि हम जो कर रहे हैं उस प्रेम की सतह कौन सी है, वो कौन सी सतह पर है। एक लड़की एक स्पिरिचुअल लीडर के पास जाती है और कहती है, उसका पिता भी संग जाता है, कहती है कि गुरुजी अब तो मेरे पिताजी को समझा दो, अब मैंने बहुत सोच समझ के प्यार किया है, क्योंकि मैंने अब जिसको पसंद किया है उस पे गाड़ी भी है, बंगला भी है, अच्छी जॉब है, अब तो मैंने सोच समझ के किया है। तो ये वाला प्रेम जो है वो बुद्धि के स्तर का प्रेम हो गया, उसने पूरी बुद्धि लगा करके, क्योंकि प्रेम भी सोच समझ के किया जाता क्या। दूसरा होता है भावनाओं के स्तर पे, किसी की एक्टिविटीज तुम्हें अच्छी लगती हैं, उससे और तुम थोड़े गहराई में ले गए, बुद्धि से थोड़ा और गहराई में चला गया, तो तुम्हें उसकी हर एक्टिविटी अच्छी लगती है, तुम्हें उसकी हर क्रियाकलाप में तुम भावनाओं से उसके आसपास घूम रहे हो। और तीसरा होता है चित्त के स्तर का, कहते हैं ना चित्त चोर, इसमें चित्त ही उसका हो जाता है। देखने पर एक स्थिति सामने सामने आने पर मन कंपित नहीं होता, मन अकंप हो जाता है, जो सीता और राम की स्थिति वाटिका में हुई थी। तो करने वाले तो इसी शरीर से हैं लोग, लेकिन तीनों का करने का स्तर अलग अलग होता है। और हम एक गलती इसमें ये कर बैठते हैं कि हम उसे हासिल करने के लिए अपने आप को बेहोश करना शुरू कर देते हैं। कबीर सी जो मूवी दिखाई उसकी तरह, कि अब अगर उसे हासिल करना है तो अपने शरीर को और पीड़ा और कष्ट और बेहोशी, जबकि हमें कुछ भी पाना हो, कुछ भी, जितना हम होश में आते चले जाएंगे, इस ब्रह्मांड में सब कुछ है, अवेलेबल है, हम अपनी पात्रता जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे वो सारी चीज़ें स्वतः हमारे पास आती चली जाएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, ये कबीर सिंह की स्टोरी दिखाई गई, जिसको वो सब ड्रामा करने से, दारू पीने से, बेहोश होने से, ये करने से, वो करने से वो मिल जाती है। लेकिन 99% जो लोग उस तरीके का जीवन जी करके नलियों में पड़े रहते हैं, खूब देख लेना, हर गली हर मोहल्ले में बहुत कबीर सी मिल जाएंगे, और वो कहाँ पहुँचे ये आप देख लेना। तो हमें सबसे पहले अगर कुछ भी हासिल करना है तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना होगा। जैसे ही लगता है कि अब वो मेरा नहीं हो रहा, तो तुम्हें उसको हासिल करने का प्रयत्न नहीं करना,
तुम्हें अपनी पात्रता उसी समय बढ़ानी स्टार्ट करनी है। यदि तुम बहुत दुख और दर्द और पीड़ा से गुजर रहे हो एक जुड़ाव होने पर, क्योंकि बुद्धि के स्तर पर जो भी चीज़ें हासिल हो रही हैं वो चली भी जा रही हैं, उत्पन्न होना और नष्ट होना ये प्रकृति का नियम है, तो जैसे ही वो छूटता है तो हमें दुख देने लगता है। तो यदि हम होश में आने का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो मधुशाला जाने की जगह किसी मेडिटेशन सेंटर में जाकर के हमें अपने होश में और होशपूर्ण होने का अभ्यास करना चाहिए। तो जैसे जैसे हम खुद डीपली होते चले जाएंगे तो जिसके प्रति जो प्रेम है वो भी हमारे साथ गहरा होता चले जाएगा। जो बुद्धि में था तो वो हृदय में आएगा, हृदय से वो चित्त तक जाएगा, क्योंकि हम चित्त तक जाएंगे तो जो कुछ है वो भी जाएगा। तो उसको पाने के लिए अपने भीतर मन की गहराइयों में हमें काम करना होगा, लेकिन हम उल्टा काम करते हैं। जैसे ही कुछ हर्ट हुआ, आजकल तो ब्रेकअप होना आम बात है, हर दिन हजारों ब्रेकअप हो रहे हैं, लोगों के दिल टूट रहे हैं और लोग एक दर्द एक पीड़ा से गुजर रहे हैं। कुछ लोग इससे बचने के लिए नशे का सहारा लेते हैं, कुछ लोग सुसाइड भी करते हैं और कुछ लोग उस दर्द को उस पीड़ा को अपने जागरण का साधन बना लेते हैं। एक जो विषकन्याएं होती हैं जिनकी खोज चाणक्य ने करी थी, जिनको चाणक्य ने बनवाया था, उनको हल्का धीमा धीमा सुंदर सुंदर कन्याओं को जहर दिया जाता था, धीमा धीमा जहर, उसके बाद धीरे धीरे उनका पूरा खून जहर हो जाता था, लेकिन वो मरती नहीं थी। उनके संपर्क में जो आता था वो ख़त्म हो जाता था उनके जहर से। तो इस दर्द को देखने का, इसको एक्सेप्ट करने का तरीका आ गया तो ये भी हमारे लिए जागरण बन सकता है। लेकिन हमें क्या करना है कि इस दर्द को भी अपने जागने का साधन बना लेना है। स्त्री पुरुष से बहुत सुंदर होती है, आकर्षण होता है स्त्री में हमेशा पुरुष से ज़्यादा, क्योंकि हर माँ वो एक दर्द की पीड़ा से गुजरती है, इससे उसमें और अधिक आकर्षण बढ़ जाता है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष कम दर्द से गुजरता है, इसलिए पुरुषों को अधिक अटैक आने की संभावना रहती है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक हार्ट अटैक आता है, अधिक पुरुष का बीपी लो होता है, क्योंकि पुरुष दर्द से कम गुजरता है। तो इसमें जो स्वीकार का भाव है वो कम विकसित हो पाता है। तो हमें जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है, हमारा दिल टूटता है, हम किसी से जुड़ते हैं, हमारा मन का स्वभाव है पकड़ना, एक छूटेगा दूसरे को पकड़ेंगे, दूसरा छूटेगा उसको पकड़ेंगे, तो उस स्वभाव से यदि हम बार बार इस शरीर को इस चेतना को कष्ट पहुंचाते रहे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमें हर परिस्थिति को हर घटना को अपने लिए एक सौभाग्य बना लेना है। तो जब भी कुछ ऐसा होता है, किसी से प्रेम होता है, तो उस प्रेम को ध्यान के माध्यम से और गहराई में ले जाने का प्रयास करेंगे। और जो लोग चेतना के अच्छे लेवल पर रहे हैं, उन्होंने किसी से प्रेम किया तो उन्हें वो साथी मिल जाते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास, संदीप माहेश्वरी, जो कॉन्शियस, जिनका लेवल अच्छा था, जिनके मन गहराई तक थे, उन्होंने उसी लेवल पे किया और उन्हें तुरंत मिल गया। तो कबीर सिंह नहीं बनना है और वो कुछ नहीं करना,
जिससे हमारा कॉन्शियस लेवल, चेतना का स्तर नीचे जाए। जैसे जो भी परिस्थिति आए उस समय हमें अपनी कॉन्शियस लेवल को उठाने का प्रयत्न करना है। धन्यवाद।